नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8S 5G वर्सेस Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 8S 5G में 6.4 इंच जबकि नोट 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 8S 5G में 2.94 इंच जबकि नोट 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 8S 5G में 0.35 इंच जबकि नोट 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो 8S 5G में 191 ग्राम्स जबकि नोट 11S में 212.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 8S 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 8S 5G में 20:9 जबकि नोट 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 8S 5G में 6.5 इंचेस जबकि नोट 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 8S 5G में 1080x2400 और नोट 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 8S 5G में 83.92% जबकि नोट 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 8S 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि नोट 11S में 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 8S 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 8S 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोट 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 8S 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और नोट 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 8S 5G में MediaTek Dimensity 810 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 8S 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि नोट 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 8S 5G में अप टू 1TB जबकि नोट 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 8S 5G में 2 कलर्स जबकि नोट 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 8S 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 8S 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 8S 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 11 है, दूसरा Vivo V23 Pro 5G है, तीसरा Moto G51 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।